हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस वैकेंसी की बात करूंगा उस वैकेंसी का नाम है अकाउंट ऑफिसर। और ये वैकेंसी जो आई है वो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में आई हुई है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी आई है उसके बारे में हम जल्दी से बात कर लेते हैं। जो वैकेंसी आई है अक्टूबर 20 को आई है, इसकी लास्ट डेट अभी जो है 30 नवंबर है। तो अभी भी 20 दिन बाकी हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया या आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप फिल कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से इसकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और बाकी चीज़ें जो हैं, फीस वगैरह, वो सारे मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं पावर ग्रिड के इंट्रोडक्शन में उस कंपनी के बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पर नीचे जो पोस्ट है उसके बाजू में बात की गई है। तो वैकेंसी एंड रिजर्वेशन, जो पोस्ट आप देख सकते हैं 171 पोस्ट आईडी में अकाउंट ऑफिसर अकाउंट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। जो वैकेंसी है वो रिजर्व है ओनली फॉर ST शेड्यूल ट्रिब्यूनल कॉस्ट के लिए। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है वो स्पेशल ड्राइव रिक्रूटमेंट के अंतर्गत है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन एंड डिटेल्स के बारे में। तो पोस्ट आप देख सकते हैं लिखा हुआ असिस्टेंट ऑफिसर अकाउंट्स, पोस्ट आईडी 171 जो ऊपर था। यहाँ पे जो पेमेंट आपकी स्केल होगी वो 50,000 to 160 लाख है। ये रिवाइज्ड पे स्केल है एज पर 3rd PRC पे रिविजन कमीशन। क्वालिफिकेशन CA ICWA पास्ट कैंडिडेट विथ डेमोन्स्ट्रेबल स्किल इन यूज ऑफ MS ऑफिस एंड विंडो। सो जो भी CA CM में होंगे उनके पास ये स्किल होगी, नो डाउट। नेक्स्ट बात करते हैं इसेंशियल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मांगी गई है वो 16,400 से 40,500 प्री रिवाइज, ये जो स्केल है उसकी बात की गई कि 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, या रिवाइज बेसिक स्केल इसका है 40,000 जो 16,400 है। सो उस लेवल पे आपने काम किया हुआ। और यहाँ पे 2 स्टार दिया है, उसका मतलब बताया गया कि या तो आप एटलीस्ट ग्रेड बी गजिस्टर्ड ऑफिसर पे काम कर रखे हों या प्राइवेट सेक्टर में आपने काम किया है, तो आपका एक्सक्लूडिंग मेडिकल लीव इनकैशमेंट एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टोटल सोशल सिक्योरिटी फॉर 1 ईयर, 1 साल का आप जो बेसिक है 44,800 पर मंथ ग्रॉस आपने लिया हुआ है सैलरी, तो आप एलिजिबल हैं प्राइवेट सेक्टर वाले। और ये स्पेशल ड्राइव वैकेंसी है SC ST ST के लिए है बेसिकली। सो नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपीरियंस प्रोफाइल में। इन्होंने जो बात की है वहाँ पे बताया एक्सपीरियंस इन फंड्स ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट कन्वर्टिंग रिसोर्स प्लानिंग, ये सारे स्किल्स जो आप देख सकते हैं आपके होना चाहिए। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट में दिया है एक्सपीरियंस इन PSU लिस्टेड कंपनी विल बी प्रीफर्ड। और जो आपका एज लिमिट है वो 35 है, प्लस गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपको रिलैक्सेशन है वो मिलेगा कि ऊपर ये सारे फैसिलिटी कंपनसेशन जो है DA आपको परक्विजिट एंड अदर अलाउंस जो भी HRS वगैरह सारे मिलेंगी। आपको अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो हैं ऑनलाइन अप्लीकेशन फिल करेंगे। 20 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो है नवंबर है, जो कि पावर ग्रिड की इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगा। बाकी यहाँ इंस्ट्रक्शन के बारे में बात की गई, कैसे फॉर्म फिल करना, क्या फ़ोटो के साइज़ होगा, सिग्नेचर का साइज़ होगा, वो सारी बातें की गई हैं। यहाँ पे एक और ख़ास बात की गई है कि एप्लीकेशन फ़ीस है वो 500 नॉन रिफंडेबल है, और इसका पेमेंट आप डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग से ऑनलाइन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका लास्ट डेट, जैसा पहले ही बताया लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फीस सबमिशन इज 30 नवंबर 2018। फिर यहाँ नेक्स्ट बात की गई जो पॉइंट नंबर 5 है जनरल इन्फॉर्मेशन में, वहाँ पे 171 में आप देख सकते हैं ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर इन CA CWA CS में अप्लाई। सो यहाँ पे CS भी अप्लाई कर सकते हैं जो प्रैक्टिशनर हैं, बट देयर CS विल बी कंसिडर्ड एज पर डायरेक्शन ऑफ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। सर की 171 थी जहाँ पे प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर इन CA CWA CS में अप्लाई, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उन्हें क्या करना होगा कि अपने ITR सपोर्टिंग इनकम डिटेल के रूप में सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये पूरी जानकारी थी जो मैंने आपको बताई है। इसको फॉर्म को फिलअप करना है 30 नवंबर 2018 से पहले, और
ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा